संतों कथनी कथे तो खोटा, जौलो कर्म विकार न छूटे, कोयला कपट जीव ओटा। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के पोटा। तज अनरीति और कुल लालच, जगमा बड़घर लूटा। सांस पिया को चाल न आवे, नहीं हृदय है हेता। ऐसी भक्त मुक्ति नहीं पावे, साहब है नहीं कांचा। कहीं कबीर अंतर की करनी, निकरे मुख के बाटा। सार असार परख नहीं आवे, झूठा लागे मीठा। सदगुरु कबीर की एक एक पंक्ति गंभीरता से विचार किया जाए तो लगता है कि पंक्ति केवल हमारे लिए ही कही जा रही है। हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है, स्वयं को कसौटी के लिए प्रेरणा देती है। हम पाठ कर लेते हैं सदगुरु कबीर की वाणियों का, विचार नहीं करते, चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। संतों कथनी कथे ते खोटा, ऐ संतों जो व्यक्ति आचरण किए बिना, व्यवहार में उतारे बिना ज्ञान की बड़ी ऊँची ऊँची बातें कहता रहता है, वो खोटा आदमी, घटिया कोटि का आदमी है। कोई हमें घटिया कह दे तो बड़ी चोट लगेगी हमको, बड़ा दुखी हो जाएगा हमारा मन, और व्यक्ति बड़ा गुस्सा आएगा कि इसने मुझे घटिया कह दिया। लेकिन कितना घटियापना हमारे भीतर भरा हुआ है, हर आदमी को अपने अपने भीतर झांक कर देखने की आवश्यकता है। हम कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। मान लिए हैं कि हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बड़ा होशियार, बड़ा समझदार, बड़ा बुद्धिमान है। हमें भी भला कभी कोई गलती हो सकती है, हम कोई गलत काम कर सकते हैं। ये अहंकार भीतर झांकने नहीं देता है। कितना जानते हैं, कितना बोलते हैं, कितना बढ़िया बोल लेते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कितना आचरण में उतरा है या उतर रहा है, कितना करते हैं। जैसे कोई आदमी केवल गिनती करता जाए, 100,000, 10,000,000, 10,00,000, 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 10
कोई आदमी धनवान नहीं हो जाएगा। गिनती करने मात्र से पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे ही ज्ञान की बातें कहने मात्र से, पढ़ने मात्र से कोई आदमी ज्ञानी नहीं हो जाएगा।
साधना की बात कहने मात्र से कोई आदमी साधक नहीं हो जाएगा। साधक तब होगा जब साधना की बात कहना भले ना आए, साधना जीवन में उतरती चली जाए। कथनी कठे तो खोटा, स्वयं को देखना है कि मैं केवल खाली कथनी तो नहीं कर रहा हूं। कथनी के अनुरूप मेरी करनी है या नहीं है। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। जैसी कथनी होती है वैसी जब करनी हो जाती है, मुख से जैसी बातें कही जा रही है वैसे जीवन का जब आचरण हो जाता है तब ज्ञान चुंबकीय हो जाता है। और बिना इस चुंबकीय ज्ञान के मन इंद्रियों के संग्राम में कोई आदमी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भले थोड़ा जाने, आचरण ज़्यादा होना चाहिए। होना तो यह चाहिए हमारी जबान कम बोले, हमारा व्यवहार हमारा आचरण ज़्यादा बोले। जबान से बोलने की उतनी कीमत नहीं होती जितनी कीमत आचरण के बोलने की होती है। सदगुरु कहते हैं जो आचरण नहीं करता, रहनी में नहीं रहता, केवल ज्ञान की बातें कहता रहता है, दूसरों को समझाते घूमता रहता है, वो घटिया कोटि का आदमी है। सोचना है कभी उसी में हमारी गिनती तो नहीं होगी। जौलो कर्म विकार न छूटे, कोयला कपट जीव ओटा। जब तक भीतर से विकारी कर्मों का त्याग नहीं हो जाता तब तक समझना होगा कि भीतर में कपट का कोयला भरा पड़ा है जो शांति में, कल्याण में, आत्मस्थिति में, आत्मज्ञान में बाधक बनकर के खड़ा रहेगा। भीतर देखना है कि विकारी कर्मों का त्याग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आदमी का जन्मदिन आता है, बड़ी खुशी मनाता है, यार दोस्तों बुलाता है, पार्टी करता है, सब करता है, अच्छी बात है, मनोरंजन हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है। नया वर्ष आता है, आदमी खुशी मनाता है, नाचता गाता है, चलो ये भी ठीक है। लेकिन कभी सोचा कि जब जब मैंने अपना बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, और जब जब मैंने नया साल का स्वागत किया, तो गत वर्ष जब अपना जन्मदिन मनाया था और आज मनाया हुआ हूँ, तो इस साल भर के दरम्यान में मेरे आचरण में क्या क्या सुधार हुआ, व्यवहार में, कर्म में, आचरण में, खान पान में, मन के चिंतन में, विषय विकार में, कितना सुधार हुआ। नया वर्ष स्वागत किया था तो कौन सी नई बात मेरे जीवन में आ गई। दोष बढ़ गए, दुर्गुण बढ़ गए, गलत स्वभाव बढ़ गया, गलत आचरण बढ़ गया, मन की चंचलता बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, उद्विग्नता बढ़ गई, वासना बढ़ गई, किस बात का स्वागत है भाई। क्या इसलिए खुशी मना रहे हैं कि मैंने एक साल में और लोगों का पैसा ज़्यादा गलत कर्म कर लिया, मेरा मन ज़्यादा बिगड़ गया, इसी खुशी मना रहे हैं क्या।
समझना तुम्हारे भीतर में कपट का कोयला भरा हुआ है। अब वो ओटा, वो पर्दा आएगा, भीतर का जो कपट का कोयला है, बाहर कुछ भीतर कुछ, ये कपट काम नहीं करेगा साहब। तो ये भी कहते हैं, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काह मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और बातें हैं, मन में हृदय में कुछ और बातें हैं, सपने में भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं समझ सकता, अर्थात आत्म शांति को, आत्मा को, परमात्मा को समझ नहीं सकता है। चाहे आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे अपने आत्म शांति कल्याण गति कहो, जिसके मुख में कुछ और बात, हृदय में कुछ और बात, वह आदमी समझ नहीं सकता। समझेगा कौन? मुख हृदय जाके एके हुई, कहें कबीर पद बूझे सोई। जैसे मुख से हम ज्ञान की बातें कहते हैं, वही बातें जब हमारे हृदय में जम जाती है, वैसा आसन हो जाता है, तब सत्य पथ को, आत्मा को, परमात्मा को, कल्याण को वो समझ सकता है। कर्मों का जो विकार है, दूषित कर्म जो हो रहा है, दूषित चिंतन जो हो रहा है, उसका त्याग, ये समझना होगा। जिस गुरु की हम भक्ति करते हैं, या अलग कहीं भगवान या परमात्मा मानकर भक्ति करते हैं, परमात्मा निर्मल है, शुद्ध है, उस परमात्मा की भक्ति करते करते, वो गुरु की भक्ति करते करते, मेरे जीवन का इतना लंबा समय निकल गया, कितना मेरा मन निर्मल हुआ है। परमात्मा तो शुद्ध है ना, और मेरा मन अशुद्ध, तो अशुद्ध मन से शुद्ध परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? गुरु निर्मल और मेरा मन मलिन, तो मलिन मन से मैं उस निर्मल गुरु की भक्ति कैसे कर सकता हूँ? मेरा अपना मन मलिन रख करके मैं निर्मल गुरु और निर्मल परमात्मा का सेवक या भक्त कैसे हो सकता हूँ? हम विचार नहीं करते। देवो भूत्वा देवो यजेत कहा गया है, देव बन करके देवता की उपासना करो, मतलब निर्मल बन करके निर्मलता की उपासना करो। देवता तो निर्मल और हम मलिन, देवता खुश कैसे होगा, भगवान कैसे खुश होगा, आत्मा कैसे खुश होगी? कोयला कपट जी ओटा, साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर में कपट का कोयला है, ये पर्दा है तुम्हारे कल्याण के मार्ग में, तुम्हारी शांति में। कितना भी जब तक ये कर्म का विकार न छूटे, कपट का कोयला दूर न हो जाए, वो पर्दा दूर होने वाला नहीं है, वो आत्म शांति की अनुभूति होगी ही नहीं, चाहे जितना भी कर लो। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के पोटा। यदि मन में विषय वासनाओं की पोटली बांध करके रखे हुए हो, मन निरंतर भोगों की याद कर रहा है, ललचा रहा है, किसी चीज को देख करके ललचा रहा है, किसी सम्मान को देखकर ललचा रहा है, किसी की धन दौलत को देखकर ललचा रहा है, किसी के और कुछ को देखकर ललचा रहा है, किसी युवती को, किसी युवक को देखकर ललचा रहा है, तो ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने से तुम चतुर कैसे हो जाओगे? केवल पुस्तकें पढ़ने मात्र से चतुर कौन हुआ है? चतुर मतलब ज्ञानी कौन हुआ है? चतुर हो सकते हो, बुद्धिमान हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, ज्ञानी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते, दुख मुक्त नहीं हो सकते। किताबें हमें विद्वान बनाती हैं, किताबें ज्ञानी नहीं बनाती है। ज्ञानी बनाता है आचरण, ज्ञानी बनाता है चरित्र, ज्ञानी बनाता है त्याग और वैराग्य, ज्ञानी बनाती है साधना। अब वो है नहीं जीवन में,
पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ना आवश्यक है, किंतु पढ़ना केवल पढ़ने के लिए है, पढ़ना केवल मनोरंजन के लिए है, टाइम पास करने के लिए है, या पढ़ना जीवन सुधारने के लिए है, ये सोचना है। यदि पढ़ना केवल पढ़ने के लिए है, यदि पढ़ना केवल दूसरों को समझाने के लिए है, तो ये पढ़ना हमें नरक में ले जाएगा। और पढ़ना केवल अपने को सुधारने के लिए है, पढ़ना अपनी मुक्ति गति के लिए है, तो पढ़ना हमारा कल्याण कर देगा। तो पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ना आवश्यक है, उसे युक्तियां मिलेगी, जो जो हमारे भीतर में भूल होती है, भ्रम है, ये सब दूर होंगे। प्रेरणा मिलती है कि संतों ने, गुरुजनों ने अपनी साधना का निचोड़ उन पुस्तकों में लिख दिया है। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने जो कुछ अनुभव किया सब का निचोड़ ग्रंथ में रख दिया है, इसलिए पढ़ना है। लेकिन वो अनुभव उनका होगा, जब हम वैसी साधना करेंगे, वैसे त्याग तब के रास्ते में चलेंगे, वैसा हमारा आचरण होगा, तब वो अनुभव हमारा हो जाएगा, अन्यथा केवल उधारी का ज्ञान। और हमारा ज्ञान उधारी का ही ज्ञान है, उधारी के ज्ञान से कल्याण नहीं होने वाला है। जो पढ़ने के बाद जो जानना चाहिए उसको जान पाए या नहीं जान पाए, बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ को जाने, जिसे जानना चाहिए था और जो बहुत कुछ को जानने वाला है उसका ज्ञान नहीं हुआ, तो पढ़ना सार्थक तो नहीं हुआ। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, अधित चतुर्वेदान सर्वशास्त्रान अनेक सह ब्रह्मत्व न जानात दर्वी पाक रसो यथा। चारों वेदों को पढ़ लिया गया और शास्त्रों का भी अनेक बार अध्ययन मनन कर लिया गया, चारों वेदों का और शास्त्रों का अनेक बार अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया गया, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लिया गया, किंतु वेदों को शास्त्रों पढ़ने के बाद भी ब्रह्म तत्व का, परम तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो वह आदमी उसी प्रकार है जैसे करछुली, दर्वी करछुली, करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, बिना करछुली के आप क्या बनाओगे, न मिठाई बना सकते हो, न सब्जी बना सकते हो, कुछ नहीं बना सकते। तो करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, लेकिन करछुली को किसी व्यंजन का स्वाद मालूम नहीं होता, क्योंकि ठोस है, भीतर में भिद्धता ही नहीं है। साहब कहते हैं, ये कहने वाला कहता है, यदि तुमने वे शास्त्रों को पढ़ा किंतु उस ब्रह्म तत्व का, परम तत्व, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो तुम हम भी बिल्कुल करछुली के समान हो, नीरस का नीरस। फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? स्वामी शंकराचार्य ने कहा, अविज्ञाते अपि परे तत्वे साताधित्यस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे साताधित्यस्तु निष्फला। यदि जो पर तत्व है, श्रेष्ठ तत्व, आत्म तत्व, उसे आप ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, ईश्वर तत्व कुछ भी कह लो, तो वो जो परम तत्व है वह आत्म तत्व, वह अज्ञात का ज्ञात ही रह गया, उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो शास्त्रों का पढ़ना बेकार चला गया, निष्फल हो गया। किसके लिए पढ़ते रहे?
यदि स्वयं को नहीं जान पाए तो इतना पढ़ने का मतलब क्या होता है। और यदि विज्ञाते अपि परे तत्व, और जो परम तत्व का ज्ञान हो गया, परम तत्व को जान लिया गया, तो अब शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। यहाँ स्वामी जी शास्त्र पढ़ने का खंडन नहीं कर रहे, वो तो खुद ही शास्त्रों के धुरंधर प्रवक्ता रहे हैं। उनका कहने का अर्थ है, जिसे जानना चाहिए उसे तुम नहीं जान पाए। दुनिया भर के कूड़ा कबाड़ अपने दिमाग में भर लिए, इसे तुम ज्ञानी तो नहीं हो गए, विद्वान भले हो गए। और विद्वता से कल्याण नहीं होता, विद्वता से दुख से छुटकारा नहीं मिलता, विद्वता से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है ज्ञान से। और ज्ञान वह है जो हमारे जीवन में उतर गया है, यदि से उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं तो ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के पोटक। तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण की पोटली में तो विषय वासना बंधी हुई है, अंदर में तुम विषय वासना की पोटली बांध करके घूम रहे हो, और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ करके बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हो, ऊंची ऊंची बातें कह रहे हो, इसे तुम ज्ञानी कैसे हो जाओगे। भले शास्त्रों को पढ़ना ना आता हो, अंदर में जो विषय वासना की पोटली है, ये पोटली खुल जाना चाहिए। पोटली खुलने का मतलब अंदर जो विषय विकार है इसका त्याग होना चाहिए। जिन्होंने अंदर से मन से विषय विकार का त्याग कर दिया वह ज्ञानी है, भले एक अक्षर से पढ़ना ना आता हो, असली ज्ञानी वह है। आत्मतत्व का बोध हो गया, अब विषयों से वैराग हो गया, बस यही तो ज्ञान है। और दोनों नहीं है तो दुनिया में जितनी किताबें हैं सब को पढ़ डालें कोई मतलब नहीं होता। खाली जैसे गधा हीरा मोती चंदन का बोझा ढोता है, कोई मतलब उसे तो, उसके लिए तो बोझा है बस। अब उस गधे के पीठ पर हीरा लदा है कि पत्थर लदा है, उसे क्या मतलब विचार, वो तो उसके लिए तो हीरा भी बोझा है, पत्थर भी बोझा है, कोई मतलब तो नहीं होता है। आवश्यकता है अंदर जो विषय वासनाओं की पोटली है, विकारों की पोटली, उस पोटली को खोल देना। और खोल गया तब साहब कहते हैं, अब की पुरिया जो निर्वारी सो जन सदा आनंदा। जिन्होंने अब की या वासनाओं की गठरी को खोल दिया, अंदर से विषय विकार का त्याग कर दिया, वो सदा सदा के लिए आनंदित हो गया, सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। यही काम हमें करना है, साधना अभ्यास द्वारा भी और आचरण द्वारा भी। और इस काम के बिना जो जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष की पोटा। साहब कहते हैं विष की पोटली बांधकर घूमने वाले लोगों को, वासनाओं की पोटली बांधकर, विकारों, वासना मतलब खाली काम भोग की वासना नहीं, कुछ भी पाने की चाहना है। लोग मुझे अच्छा माने, लोग मेरी प्रशंसा करे, मैं आऊं तो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, ये वासना काम भोग की वासना से ज्यादा बंधनदायी है। काम भोग की वासना तो समझ में आ जाती है, उसका तो अन्य लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन ये मान सम्मान की वासना, स्वर्ग आदि पाने की जो वासना है, इसका त्याग करना बड़ा मुश्किल। वासना तो वासना, इसका त्याग हो गया तो मानो सारे ग्रंथों को आपने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, इसका अध्ययन हो गया। और त्याग नहीं हुआ तो रह गए बुद्धू के बुद्धू, कोई मतलब नहीं हुआ। तब
तज अनरीति और कुल लालच, जगमा बड़ घर लूटा। आदमी क्यों भटकता है? हम बड़ी जाति के हैं, हमारा कुल बड़ा कुल है, हम बड़े घराने के हैं। ये बड़ी जात, बड़े कुल, बड़ा घराने का अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता है। और जो झुकना जानता नहीं है वो कहीं से कुछ सीख नहीं पाता, कुछ ग्रहण नहीं कर पाता। और लालच तमाम चीज़ों का, लालच धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, खाने पीने का, स्वर्ग जाने का, परमात्मा पाने का, देव दर्शन करने का, सिद्धि रिद्धि सिद्धि का, किस किस का लालच है? ये कुल जाति का अभिमान और दुनियावी ऐश्वर्यों का लालच, इन दोनों ने बड़े बड़े कहलाने वालों को लूट लिया है। अभिमान में पढ़कर और लोग लालच में पढ़कर बड़े बड़े कहलाने वाले भटक गए। ये बड़ाई काम नहीं आएगी बाहर की, भीतर की बड़ाई काम आती है। हम बाहर से बड़ा बनना चाहते हैं, भीतर से बड़ा नहीं बन पाते हैं। और भीतर से बड़ा वह है जिसका मन हर समय संतुष्ट है, विनम्र, संतुष्ट, शांत, निर्मल, अंतर्मुख, आत्मतृप्त, निष्काम, निर्मोह, निर्लोभ, वह सच्ची सही अर्थों में बड़ा है। और यही बड़ाई हमारा कल्याण करेगी, ये बाहर की बड़ाई काम नहीं आएगी। तज अनरीति, साहब कहते हैं तज अनरीति और कुल लालच, कुल जाति का अभिमान और लोभ लालच, इन दोनों को छोड़ दो। और अनरीति इसका भी त्याग करो। अनरीति क्या है? एक तो किसी ना दुर्व्यवहार करना अनरीति है, ऐसे कर्म करते चले जाना, ऐसा चिंतन, ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी बातचीत, ऐसे कर्म, ऐसा आचरण जिससे हमारा मन अधिक से अधिक विकारी और चंचल होता है, भटकता है, वह हमारे लिए अनरीति है। और इसी अनरीति के कारण हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। कुछ भी हमें अपने आप से दूर कर दे, हमें भटका दे, सही ज्ञान से भटका दे, सद्मार्ग से भटका दे, साधना से भटका दे, वो सारा कर्म व्यवहार आचरण अनरीति है। और हम ये ऐसे करते चले जा रहे हैं। किसी ने हमारे साथ हमें गाली दे दी, निंदा कर दी, अपमान कर दिया, हम कहते हैं उन्होंने हमारे साथ अनरीति का, अन्याय का व्यवहार किया है। जितना हम अपने साथ अन्याय का व्यवहार करते हैं उतना तो पूरी दुनिया मिल करके नहीं करती है। दुनिया के लोग हमारे मन को कहाँ खराब कर रहे हैं? दुनिया के लोग हमारे मन में विषय विकार कहाँ भर रहे हैं? दुनिया के लोग हमें गलत काम करने के लिए मजबूर कहाँ कर रहे हैं? दुनिया के लोग हमें गलत बात बोलने के लिए कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ? हम स्वयं गलत बोलते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, यही तो अन्याय है। अब ये अन्याय समझ में नहीं आता है।
साहब कहते हैं अपने साथ जो अन्याय कर रहे हो, अपने साथ न्याय करना कहाँ है, क्या है? अपने आत्मभाव को छोड़कर अपने मन को कहीं चिपका लेना, ये अपने साथ अन्याय करना है। कहीं आसक्ति बना लेना, कहीं ममता बना लेना, अपने साथ अन्याय करना है। जिसमें हम आसक्ति और ममता बनाते हैं, एक न एक दिन वो चीज छूट करके रहेगी। और अपने हमने खुद छोड़ दिया, अपने छोड़ने का मतलब उधर से हमारा मन विमुख है, तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। ऐसे काम करना जिससे हमारा कल्याण दूर होता चला जाए, हम कल्याण का काम ना कर पाए, वो सारा का सारा अन्याय है। अगर सोचे हम लोग ये करते हैं या नहीं करते हैं, अपना अपना सब सोच लें, दूसरे के बारे में कहने का आवश्यकता नहीं है। तो इस पंक्ति में साहब तीन बातें छोड़ने के लिए कहते हैं, तज अनरीत और कुल लालच, अपने साथ अन्याय करना, अपने को बड़ा कुल कुटुंब वाला मान करके अहंकार करना, और भोगों के लालच में पड़े रहना। बस होता अन्याय ही दो है, जाति पाति धन दौलत पद प्रतिष्ठा का अहंकार करना और भोगों के लालच में पड़े रहना, यही अन्याय करना है अपने साथ। और इस अन्याय ने बड़े बड़े लोगों को भटका दिया है। जग में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग, बड़े धनवान, बड़े पदवान, बड़े बुद्धिमान, अब बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या सब लूट लिए गए। इसी कारण साहब इनको तुम छोड़ दो, सात पिया की युक्ति न जाने, नहीं हृदय है हेता। सात पिया, सच्चा परमात्मा, उसकी युक्ति मालूम नहीं है, और उसके लिए हृदय में हेत प्रेम भी नहीं है। सात पिया कौन है, सच्चा परमात्मा कौन, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है? क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को छोड़ नहीं सकता है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने आप को कैसे छोड़ेंगे? जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जो छूट नहीं सकता, वही तो सच्चा परमात्मा है, और वह हमारा अपना आपा। लेकिन उसका बोध ही नहीं है, और आत्मा मिश्रित होने की कोई युक्ति मालूम नहीं है, और आत्मकल्याण के लिए मन में कोई उत्कंठा और प्रेम ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? जितनी ललक दूसरे के मन को जानने के लिए होती है, क्या उतनी ललक अपने मन को जानने के लिए या स्वयं को जानने के लिए होती है? बाहर की बातों को जानना, तमाम विषयों जानना गलत नहीं है, वो भौतिक विकास के लिए जरूरी है, लेकिन स्वयं संसार रह करके किस आदमी ने जीवन में स्थिरता पाई है? स्वयं संसार रह कर किस आदमी ने परमात्मा को पाया है, और किस आदमी ने कल्याण पाया है? यदि ये कहते हैं कि मुझे तो परमात्मा चाहिए, ठीक है, तो आप कौन है जिसे परमात्मा चाहिए? परमात्मा को आप अपने लिए चाह रहे हो ना, तो अपने आप का पता है या नहीं है? और बाहर अलग परमात्मा हो या ना हो क्या पता, लेकिन आप तो हैं, मैं तो हूं,
तो जो सांस पिया कौन? ये जो बोलने वाला है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये बात नहीं मान सकता, मैं ये बात मैं दृढ़तापूर्वक मानता हूं, ये जो मैं कहने वाला कौन है? वही जो मैं कहने वाला है प्रत्येक घट में बैठा हुआ, वही सांस पिया है, सच्चा परमात्मा है, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं है। उसका चाल उस आचरण से चलते नहीं हैं जिस आचरण से अपने आप का कल्याण हो। नहीं हृदय है हेता, उसके लिए हृदय में उत्कंठा भी नहीं है। जितनी उत्कंठा बाहर के भोगों को पाने के लिए है, उतनी उत्कंठा कल्याण के लिए है, दुख मुक्ति के लिए है, वैसा प्रेम है। बाहर लोगों से प्रेम की आवश्यकता है आदमी को, परिवार प्रेम भी चाहिए, समाज प्रेम भी चाहिए, देश प्रेम भी चाहिए, संसार प्रेम भी चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर आत्म प्रेम चाहिए। और आत्म प्रेम का भाव में सारा प्रेम अंत में निरर्थक हो जाता है। सबसे प्रेम करिए, जहां रहते हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना जरूरी है, किंतु प्रेम का फल होना चाहिए आत्म प्रेम। आपको तो उसके लिए हृदय में तुम्हारी उत्कंठा ही नहीं है, जानो कैसे? ऐसी भक्त मुक्ति नहीं पावे। साहब है नहीं काशा, ऐसे तुम्हारे जो दिखाओ भक्ति है, इस दिखाओ भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम जितनी भक्ति करते हैं ना, ये दिखाओ भक्ति है। वास्तविक भक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। मंदिर गए, पूजा किए, पाठ किए, प्रसाद चढ़ाए और कुछ कर लिए, थोड़ा माला फेर लिए, नाम जप लिए, गंगा नहा लिए, ये सब दिखाओ भक्ति है। ये जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं, जो आत्मा परमात्मा की बात ज़्यादा समझ नहीं सकते, ज्ञान विवेक विचार की बातें ज़्यादा समझ नहीं सकते, बिल्कुल कहना चाहिए बाल बुद्धि वाले लोग, सामान्य बुद्धि, उनके लिए ये एक साधन है, एक सीढ़ी है, एक खिलौना है। लेकिन त्यागी तपस्वी ज्ञानी वैदान कहलाने वाले भी इसमें उलझ गए तब, और ये मान लिए कि हम तो मंदिर में गए, थोड़ा सा पूजा कर ली, थोड़ा पाठ कर लिए, थोड़ा ये कर लिए, इसी से हमारा दुख मुक्त हो जाएगा, इसी से हमें रिद्धि मिल जाएगी। झूठी मुक्ति। इससे कल्याण नहीं होगा झूठी भक्ति से। सांची भक्ति क्या है? आत्मानुसंधान। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मुक्ति की जितनी कारण सामग्री है, जिन जिन कारणों से, जिन जिन साधनों से, जिन उपायों से मुक्ति मिलती है, उन सब में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही भक्ति अत्यंत वजनदार है। मतलब मुक्ति के जितने भी कारण हैं, सबसे प्रमुख कारण भक्ति है। तो भक्ति क्या है फिर? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान, अपने आप की खोज, मैं कौन हूं की खोज, मैं कौन हूं को जानना, यह वास्तविक भक्ति है।
पराभक्ति जो पार हो चुकी है, इस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। और ये खिलौना जो खेलते रहते हैं ना, कहीं एक लोटा पानी चढ़ा दिए, कहीं कुछ और चढ़ा दिए, कहीं कुछ और चढ़ा दिए, ये तो खिलौना है, मन बढ़ाने के साधन। और ये भी समझ लो, जहाँ पानी चढ़ा रहे हो उसको पानी की आवश्यकता ही नहीं है, पानी की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है या पेड़ पौधों को होती है। और जहाँ तुम पानी पिला रहे हो न तो जानदार है और न ही पेड़ पौधा है, बहकर चला जाएगा तुम्हारा पानी। चाहे पानी पिलाओ, चाहे दूध पिलाओ, चाहे अमृत पिलाओ, उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, न उसे ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न प्यास लगती है। लेकिन बड़ा दिखावा, और इस महीने में तो और कहना ही क्या है। लेकिन दिखावा में कितने लोग पड़े हैं, साहब कहता ऐसी भक्ति मुक्ति नहीं पावे। दिखावा की जो भक्ति है, जिसे भूख लगी है उसे खिला नहीं रहे हो, और जिसे भूख लगती ही नहीं है उसे 56 व्यंजन खिला रहे हो। किसी भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी खिला दो, सूखा भात खिला दो, तो परमात्मा खुश हो जाएगा। असली परमात्मा वह है, और जिसे भूख लगती ही नहीं है उसके लिए पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। दिखावा 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 इतना हो गया दिखा भक्ति के नाम पर दिखावा कि हद हो गया हद। यहां तक मजदूर, नौकर, कर्मचारी, गरीब, इन लोगों का पेट मार मार करके, पेट काट काट कर, हक मार मार करके उस भगवान को खिलाने का नाटक किया जाता है जो भगवान कभी खाता ही नहीं है। लाख लाख रुपया भगवान का हम और आप भोजन करते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन खा लें, 1,000-2,000-4,000 खर्चा आएगा, 5 स्टार होटल चले जाओ तो 4,000-5,000 खर्चा आ जाएगा एक एक खाक भोजन में। चूंकि हम आदमी हैं, यद्यपि सामान्य भोजन अपने घर में खाएं तो 200 रुपये भी आप भोजन आप नहीं खा सकोगे एक दिन में, चूंकि आदमी का पेट 100-200-4,000-5,000 रुपये में भर जाता है, और चूंकि वो भगवान है उसके लिए 1-2 लाख चाहिए। और दुर्भाग्य ये है, जिस आदमी का पेट 100 रुपये में भर जाएगा उसे खिलाने वाले थोड़े लोग हैं, और जिस भगवान के पेट 1,00,000 रुपये में भी नहीं भरता उसे खिलाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। और कौन है? बेईमानी की कमाई करने वाले, ईमानदारी की कमाई करने वाले लोग इतना नहीं खिलाएंगे। ऐसी भक्ति मुक्ति नहीं पावे साहेब है नहीं कांचा। साहब कहता ऐसी जो तुम्हारे दिखाओ भक्ति है, झूठी भक्ति, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि साहब कांचा नहीं है, साहब जो है अनजान नहीं है, वो भीतर सब जानता है। अपने को धोखा दे रहे हो, वास्तविक परमात्मा को धोखा दे रहे हो, तो झूठी भक्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी? सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। कहीं कभी अंतर की करनी निकले मुख की बाटा। साहब कहते हैं तुम दिन भर जो करते हो, जो सोचते हो, उस सब के संस्कार तुम्हारे अंतःकरण में एकत्रित होते चले जाते हैं, और वही समय पड़ने पर
तुम्हारी वाणी के माध्यम से बाहर निकल आता है। जो रहे करवा से निकले टोटी, जो भावना रहेगी, जो संस्कार रहेगा, जो विचार होगा, वही तो निकलेगा ना। सोचें, सुबह से शाम तक हम जो लोगों से मिलते जुलते हैं, काम धाम करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, सोचते विचारते हैं, कैसे संस्कार एकत्र हो रहे हैं भीतर में, अच्छे या बुरे, सुसंस्कार या कुसंस्कार। और वो फिर आएगा, दुख के रूप में आएगा, सुख के रूप में आएगा। यहाँ मुख से निकलने का मतलब, वैसे तो जो भीतर होता है वो बाहर निकलता ही है वाणी के माध्यम से भी, लेकिन आप कहते हैं वो सुख के रूप में, दुख के रूप में निकल आएगा, आएगा बाहर। लोगों से भावना अच्छी हो है तो आज नहीं तो कल वो सुख के रूप में आएगा, शांति के रूप में प्रकट होगी भावना। भावना गलत है तो दुख चिंता तनाव के रूप में प्रकट होगी वो भावना। इसलिए किसी भी बात को लेकर अपने संस्कारों को, अपनी भावनाओं को बिगड़ने नहीं देना है। अपनी भावना, अपने संस्कार, अपने विचार स्वभाव को अच्छा बना करके रखना होगा। यही तो जीवन है। भावना, संस्कार, स्वभाव, विचार, मन, इनको अच्छा नहीं बना पाए तो धर्म के नाम पर जो कुछ हम करते हैं वो सब का फल क्या हुआ? फिर सब तो बेकार चला गया। और उसी का फल सुख और दुख के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, हर्ष और शोक के रूप में, आनंद और पश्चाताप के रूप में प्रकट होना ही होना है। सार असार परख नहीं पावे, झूठा लागे मीठा, क्या सार है क्या असार है आदमी परख नहीं पाता है, इसलिए सार को छोड़ देता है, असार को ग्रहण कर लेता है। और सार असार को आदमी परखता नहीं है, इसके कारण क्या है? झूठा लागे मीठा, झूठ वस्तुएं आदमी को ज़्यादा मीठी लगती है, झूठी बात ज़्यादा प्यारी होती है, झूठी चीज़ें ज़्यादा प्यारी होती, झूठी शोहरत ज़्यादा प्यारी होती, झूठी बड़ाई ज़्यादा प्यारी होती है, झूठा पद ज़्यादा प्यारा होता है। इसीलिए सार असार साथ झूठ को परख नहीं पाता आदमी। ये समझ ले, जो जो चीज़ मीठी मीठी लग रही है, चाहे कुछ भी हो, एक दिन सबको झूठा हो जाना है। धन दौलत यदि मीठा लग रहा है तो छूट जाएगा, मठ मकान मीठे लग रहे हैं छूट जाएगा, पद प्रतिष्ठा मीठे लग रहे हैं छूट जाना है, मान सम्मान मीठे लग रहे हैं छूट जाना है, दुनिया के भोग मीठे लग रहे हैं छूट जाना है, तो छूट जाए भाई तो झूठा है ना। ओ मीठा लगता है, सांस कड़वा लगता है, बतौता सांस कड़वा नहीं है। लोग कहते हैं ना, सात बात कड़वी होते सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता ही नहीं है भाई। झूठ मीठा लगता है इसलिए सच कड़वा लगता है। और जिस दिन झूठ कड़वा लगने लग जाएगा, झूठ के जो मिठास बंद हो जाएगा, उस दिन सच मीठा लगने लग जाएगा। गुरुदेव जी कहानी कहा करते थे, कुछ मछुआरे नदी में रोज मछली मारने जाया करते थे, मछली मारना धंधा था उसको, रोज नदी में जाते थे, मछली मारते थे, मछली मार करके लाद करके लाते थे। एक दिन मछली मारने गए तो जोरों की बरसात होने लग गई। अब इतनी बरसात में मछली कैसे मारे? लौट आए तो रास्ते में एक राजा का एक बाग था, वहाँ एक भवन बना हुआ था, बरसात बचने के लिए उस
बाग के भवन में चले गए वर्षा बचने के लिए। तो वहाँ पर जिस कमरे में गए, अनेक प्रकार के फूल को चुन चुन करके रखा गया था, उसकी सुगंध आ रही थी, सुगंधित तमाम प्रकार के फूलों को चुना गया था वहाँ पर, उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। मछुआरे गए, खुद रुके, कहे यार अरे तो यहाँ से इतनी दुर्गंध आ रही है कि नाक फटा जा रहा है। तो मछली माने तो कपड़ा था अपने नाक में लगा लिया, हाँ अब ठीक लगा। तो मछुआरा को मछली में सुगंध आ आएगी ना, ऐसे झूठ हमें मीठा लग रहा है इसलिए सच हमें कड़वा लगता है, लेकिन झूठ कभी काम नहीं आएगा। झूठा कबू न करिए काच, हाँ बजो तो सुनो नीलाज। तो जो झूठ मीठा लग रहा है इसलिए हम सांस असार की परख नहीं कर पाते, सार असार की परख नहीं कर पाते। झूठ यद्यपि वैसे देखा जाए, थोड़ा उच्च दृष्टि से देखें, विवेक की दृष्टि से देखें, तो हमारा शरीर सबसे झूठा है, पहला झूठा, क्योंकि एक दिन शरीर नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। निरंतर हमारा शरीर मौत के मुख में जा रहा है, और ये मौत के मुख में ऐसा समा जाएगा कि खोजने से भी पता नहीं चलेगा। और जब शरीर ही झूठा है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ सच कैसे हो सकते हैं? लेकिन शरीर कितना प्यारा है आदमी को, और जब शरीर प्यारा है तो बाहर की वस्तुएं प्यारी होगी। शरीर झूठा है, व्यवहार करना पड़ेगा, भूख लगेगी तो प्यास लगेगी तो भोजन पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन ये अंदर से समझना होगा कि शरीर आजकल में मिट जाने वाला है। इस शरीर की सार्थकता क्या है? शरीर की सार्थकता है कि शरीर में रहते रहते शरीर का मोह छोड़ करके जो बन सके लोगों की सेवा कर लें और साधना करके अपना कल्याण का काम कर लें। फिर झूठा शरीर सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, न तो शरीर का मोह छोड़ पाते हैं, न ही सेवा का काम कर पाते हैं, न ही साधना का काम कर पाते हैं। शरीर को सच मान कर जिंदगी भर हम भोगों में उलझे रह जाते हैं और उनके पीछे दौड़ते रह जाते हैं, और अंत में रोते रोते पछताते पछताते दुनिया से विदा हो जाते हैं। शरीर तो मिट्टी में मिल गया, अपने लिए भटकने के बीज हमने बो लिया, मनुष्य जीवन पाना बेकार चला गया। सार असार परख नहीं पावे, झूठा लागे मीठा, साहब कहते हैं लोगों को झूठ मीठा लग रहा है इसलिए सार असार परख नहीं पाते, और परख करके असार को छोड़कर सार को ग्रहण नहीं कर पाते। जो बिनस जाए वो असार झूठ, और जो कभी ना बिन से वो सार। कहें कबीर सार दुनिया बिन से रहे, राम अविनाशी हो, राम अविनाशी है वो सार है, वो सच है, और जो आज है कल ना रहे वो असार है, झूठ है। इसलिए झूठी वस्तुओं में व्यवहार करके अपना कल्याण का काम कर लेना, यही जीवन की सार्थकता है। इस पद में साहब कहते हैं, जो जानते हो उसका आचरण करो, मन में जो विषय विकार विकारी कर्म भरे हुए हैं उनका त्याग करो, लोभ लालच छोड़ दो, अपने साथ अन्याय का काम करना बंद कर दो, सच्चा साहब है उससे प्रेम करो, और सच्ची भक्ति को समझ करके आत्मकल्याण का काम करो। इसी ये सारा का सारा काम इसी मानव जीवन में ही मिल सकता है। समय तो पूरा हो गया है, 5 मिनट के लिए बत्ती बुझा दिया जाए।